क्या पवन सिंह पर अपने गानों से रिलीज होने से पहले स्टार लगा रहे हैं आरोप, और ये आरोप उनके व्यूज बढ़ाने में काम आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहना है पवन सिंह के फैंस का। पवन सिंह के फैंस ये कह रहे हैं, पहले राकेश मिश्रा, फिर खेसारी लाल यादव और अब अक्षरा सिंह। जैसे ही इनका कोई गाना आने रहता है, ये लाइव आते हैं और व्यूज़ का रोना रोते हैं, रिपोर्ट का रोना रोते हैं, और फिर लोगों को ये कहते हैं कि भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो हमारा गाना रुकवा रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ऐसा सारा कुछ लाइव में कहते हैं और ये सारा कुछ उनके फैंस मानते हैं, और एक तरह का प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के नाम पर। आप क्या इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ऐसा बहुत सारे पवन सिंह के फैंस अब आरोप लगा रहे हैं बारी बारी भोजपुरी के कई दिग्गज अभिनेताओं पर, जो पवन सिंह के खिलाफ एक लॉबी क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझें तो आप ये देखेंगे, राकेश मिश्रा का गाना ए राजा तनी जाई ना बहरिया जैसे ही 50 मिलियन क्रॉस होने वाला था, वैसे ही राकेश मिश्रा लाइव आते हैं और भोजपुरी के बड़े नामों को बगैर नाम लिए खुलासा करते हैं कि उनके गानों पर इस तरह की साजिश की जा रही है कि गाना आगे ना बढ़े, और कि राकेश मिश्रा के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। उसके कई महीनों बाद खेसारी आते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खेसारी लाल आते हैं लाइव। खेसारी जबकि खुद अपनी गलती में ही फंसे हैं, लेकिन वो सारा ढेकरा भोजपुरी के बड़े स्टारों पर फोड़ते हैं। बड़े स्टार आप समझ सकते हैं, निरहुआ इन सब में शामिल नहीं रहते हैं, तो बड़ा स्टार बचा कौन? पवन सिंह। और साथ में बाद में भले ही इस कॉन्ट्रोवर्सी में रितेश पांडे एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सब कुछ कहा है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा फ़ायदा खेसारी लाल यादव की फिल्म को हुआ, उनके गानों को हुआ। अब फिर से अक्षरा सिंह, जी हाँ, अक्षरा सिंह जिस तरह से लाइव आई, रोना धोना हुआ, उन्होंने कहा कि बड़ा स्टार है। आपने लाइव सुना होगा, और अगर आप नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। ये सारा कुछ जो अक्षरा सिंह ने आरोप लगाया है पवन सिंह पर, ये सारा कुछ प्रोपोगेंडा है पवन सिंह को बदनाम करने का। ऐसा कुछ कहना है पवन सिंह के फैंस का, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप हमारे उस वीडियो के मैसेजेस में जाकर देख सकते हैं कि सारे लोग पवन सिंह पर एक तरह की टिप्पणियां जो कर रहे हैं, ये अपने आप को सिर्फ सुपरहिट करने के, अपने गानों को के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, खबरों में रखने के लिए सब कुछ कहा जा रहा है। आप इससे कितने सहमत हैं? क्योंकि अक्षरा सिंह का जो गाना राकेश मिश्रा के साथ आया है, इसके लिए अक्षरा सिंह ने ये कहा है कि लोग रिपोर्ट मार रहे हैं, इनडायरेक्टली पवन सिंह को बहुत कुछ कहा है।